सचिन शर्मा, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घरों पे होंगे। हम अपनी और दूसरों की मदद मास्क पहन के और सैनिटाइजर का यूज करके कर सकते हैं। अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज आप मास्क पहन के घरों से बाहर निकले। अगर आप कुछ खा रहे हैं, अगर आप घर को वापिस आ रहे हैं तो सैनिटाइजर का यूज करें प्रॉपरली, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आज हमारे को सुनने में मिल रही है पूरे इंडिया से, तो वो दिल दहलाने लायक है। सच में दोस्तों, काफी ज्यादा हर्ट होता है जब हम इतनी सारी डेथ को सुनते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये हम सबकी लड़ाई है और हमें इसको लड़ना भी है और हम एक दिन इस लड़ाई से जीतेंगे भी। गाइस, अगर आपके पास भी OnePlus 7 है तो OnePlus ने अपने 7 सीरीज के लिए Android 11 का अपडेट दे दिया है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, किस तरह का UI आपको इसमें मिलता है और क्या क्या बग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास भी OnePlus 7 सीरीज है तो आप भी अपने फोन में Android 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको भी आपके फ़ोन के लिए नया अपडेट मिल चुका होगा। अगर आपको नया अपडेट नहीं मिला है तो आप चेक कर सकते हैं अबाउट फोन में जाके। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको सेटिंग्स खोलनी है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिस्टम पे पहुंचना है। सिस्टम में आपको सिस्टम अपडेट दिखाई देगा एक जगह, वहां पे जाके आपने अपने मोबाइल के अपडेट को चेक करना है। जैसे ही आप वहां पे चेक करोगे तो आपको अपडेट दिखाई देगा। अगर आपको अभी तक आपका अपडेट नहीं मिला है तो जल्दी ही आपको ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप देखते हो कि आपको अपडेट में क्या क्या मिल रहा है तो सिस्टम में आपको अपडेटेड जो ऑक्सीजन OS 11 है, यानी कि एंड्रॉयड 11 है, आपको वो लेटेस्ट मिलेगा। फ्रेश UI एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको OnePlus की तरफ से मिलता है। कैमरा में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं OnePlus। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको आपके डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रही होगी। एम्बिएंट डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी, इसमें काफ़ी नई नई क्लॉक्स देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें जो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देगी आपके एक्सपीरियंस को। साथ में जो ये डार्क मोड है ये भी आपको नया मिल रहा है। आपको सारी चीज़ें मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। गेम स्पेस के बारे में बात करूं तो गेम स्पेस भी आपको एक्सपीरियंस नया मिलने वाला है। मैंने अपडेट करने के बाद काफ़ी सारी गेम्स खेली हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है मुझे इस बार गेम स्पेस इसका। शेल्फ के बारे में बात करूं तो आपका जो न्यू इंटरफेस डिज़ाइन है शेल्फ का, वो भी आपको मिलेगा। और गैलरी के बारे में बात करूं तो आपको काफ़ी सारे फंक्शंस गैलरी में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे अपडेट्स आपको OnePlus ने Android 11 के साथ दिए हैं और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका फ़ोन इस अपडेट को इंस्टॉल करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इस फ़ोन को इंस्टॉल करने के लिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल किस तरह से होगा, तो देखते बने रहे वीडियो के साथ। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, अब ये जो आपका न्यू अपडेट है वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगा और मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे दी थी। अब ये पूरी तरह से इंस्टॉल होने के बाद आपके फ़ोन को रिबूट, यानी कि आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा, उसके बाद ही आपका जो अपडेट है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा। सो गाइस, अब फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है, आपको नया अपडेट मिल चुका है अपने फ़ोन के लिए। जैसे ही आप ट्रे को निकालोगे तो काफ़ी सारे नए आइकन्स दिखाई देंगे आपको, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। ऐप ब्राउज़ खोलोगे आप जिस तरह से, तो आइकन्स आपको थोड़े से चेंज दिखाई देंगे। इसमें जियो की तरफ से भी नई सेटिंग्स आ चुकी है, नेटवर्क सेटिंग्स, ये आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों इसमें, और ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, अपडेट कर रहा है नए अपडेट को। और क्या कहूँ दोस्तों, काफ़ी कुछ चेंज मिला है मुझे अभी इसमें। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने भी कि आपको क्या क्या चेंज मिल रहा है इसमें, चाहे वो सिस्टम से लेके हो, कैमरा से लेके हो, या फिर आपकी एम्बिएंट डिस्प्ले हो, कोई भी जो आपको नया अपडेट मिला है, सारी की सारी डिटेल आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी इस टाइम। दोस्तों, जैसे ही आप कैमरा खोलोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। आपको जहाँ पे आपका क्लिक बटन होता है उसी के साथ आपको एक गूगल लेंस दिखाई देगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
पोर्ट्रेट मोड भी इसका काफ़ी चेंज हो चुका है, नाइटस्केप मोड भी आपको इसमें मिलता है। साथ में अगर आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस तो नहीं हैं, जैसे पहले थे वैसे ही कैमरा सेटिंग आपको मिलेंगी, ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन जो आपका फ़ोटो खींचने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा इस अपडेट के बाद। अब देखते हैं दोस्तों सेटिंग्स में क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। जैसे ही आप सेटिंग्स खोलोगे और आप कस्टमाइजेशन पे जाओगे, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। इसमें आपको जो कन्वेस है इसका बीटा वर्जन मिलता है, यानी कि जब भी आप अपने फ़ोन को लॉक या अनलॉक करोगे तो आपको अपनी फ़ोटो दिखाई देगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो अपने जो फ़ोन के लिए है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सामने कि मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करने वाला हूँ अपनी कोई भी, जिस तरह और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। अब जो ये कन्वेस है थोड़ा टाइम लगेगा आपका इंस्टॉल करने का इसमें, और इस तरह से आपकी डिस्प्ले में आपको ये जो कन्वेस फ़ोटो है इस तरह की दिखाई देगी। काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों, और आपका जो लॉक और अनलॉक का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और धीरे धीरे करके आप हैबिचुअल हो जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी आप इसमें सीखोगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो ये नया अपडेट आया है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है दोस्तों, काफ़ी कुछ चेंज इसमें मिला है। या आपके जो वॉलपेपर्स होंगे, कस्टमाइजेशन होगी, कोई भी चीज़ देख लो आप, हर एक चीज़ आपको नए तरीके से मिलेगी ही इसमें। अब आप जाइए और अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए एंड्रॉयड 11 का अपने वन प्लस 7 में। तो गाइज अब बात करता हूँ मैं इस फ़ोन के न्यू गेम मोड के बारे में। तो क्या क्या आपको नए गेम मोड में देखने को मिलेगा, ये सारी बातें इसी गेम को खेलते हुए मैं आपसे करना चाहूँगा। लो यार ये क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें तो पहले अपडेट मांग रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं गेम को अपडेट होने देता हूँ, उसके बाद मैं गेम खेल के आपको बताऊँगा कि आपको नए गेम मोड में क्या क्या मिलता है। और काफ़ी अच्छी है इसकी जो न्यू गेम मोड आई है, आप अपनी नोटिफिकेशन को रोक सकते हो, कॉल्स अगर आपको आती है गेम खेलते हुए बहुत ज़्यादा तो आप एडवांस प्रो मोड के हेल्प से उन कॉल्स को आपके डिस्प्ले पे शो नहीं हो पाएंगी वो। तो ये सारी चीज़ें आपके न्यू गेम मोड में मिलेगी, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से अगर ये इंस्टॉल हो जाए या अपडेट हो जाए तब तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये, बाकी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो वैसे तो ये काफ़ी हद तक अपडेट हो चुकी है गेम, अब देखते हैं इसके न्यू गेम मोड के बारे में कि ये न्यू गेम मोड है कैसा। आपको दिखाई तो दे रहा होगा गाइस, जो मेरे फ़ोन के राइट हैंड साइड के अपर साइड में है वहाँ से एडवांस गेम मोड का वो ट्रे निकला है नीचे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी गेम को, या फिर फास्ट अपनी गेम को जो रिकॉर्ड किया है उसको रिवाइंड कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, और अब देखते हैं गेम खेल के क्या हमें दिखता है इसमें, लेट्स सी। गाइज आपको राइट साइड में स्क्रीन की आपको एडवांस गेम मोड दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से कुछ ये काम करेगा। आपको सिर्फ अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही किसी भी बटन को क्लिक करना है। अगर आप अपनी गेम को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप इजीली वहां से कर सकते हो। तो ये गेमिंग मोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पहले आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता था इसमें, लेकिन अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। तो आप गेम खेल के इंजॉय कर सकते हो अपनी जो एडवांस गेम मोड्स हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस आपको इसमें मिलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी गेम्स को अपने वन प्लस 7 में अगर आपको अपडेट मिला है तो, और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि अगर आपके पास वन प्लस 7 है और आपको वन प्लस 7 का अपडेट मिल चुका है तो आपको किस तरह का ये अपडेट लगा है। तो अब मैं अपनी गेम का इन्जॉय करता हूँ। तो
तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि घरों पे रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। और दोस्तों हम यही आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।